दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी कर रहे हैं। नए साल के पहले सप्ताह में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, लेकिन शपथ लेने वाले मंत्रियों में नवजोत सिंह सिद्धू नहीं होंगे। पंजाब की प्रभारी जनरल सेक्रेटर आशा कुमारी ने साफ किया है कि नवजोत सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दोस्तों, आज हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में होने वाले फेरबदल और आशा कुमारी के बयान पर चर्चा करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। संभावित मंत्रियों के नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। चलो अब शुरू करते हैं। पंजाब विधानसभा की जिमनी चोनों और बाबा नानक के 550वें प्रकाश उत्सव से निपटने के बाद पंजाब कैबिनेट में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। चार महीने पहले नवजोत सिद्धू के इस्तीफे के बाद से ही कैबिनेट में फेरबदल की इंतजार की जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस मुश्किल काम को किसी न किसी बहाने टालते आ रहे थे। अब जनवरी के पहले सप्ताह में कैबिनेट में बदलाव किए जाने की सूचना मिल रही है। कैबिनेट में फेरबदल के संबंध में एक बात साफ तौर पर सामने आ रही है कि नवजोत सिद्धू को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। पंजाब के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आशा कुमारी ने साफ किया है कि नवजोत सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आशा कुमारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्य हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की समाप्ति के बाद आशा कुमारी चंडीगढ़ आई थी। आशा कुमारी ने कहा कि नवजोत सिद्धू को उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चाओं में कोई दम नहीं है। आइए अब जरा कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में संभावित फेरबदल की बात कर लेते हैं। विधानसभा का समय 2 साल रह गया है और मंत्री बनने के चाहवान विधायकों की गिनती बढ़ती जा रही है। अमृतसर से विधायक राजकुमार वेरका को पंजाब वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का चेयरमैन बनाने के साथ कैबिनेट रैंक दे दिया गया था, लेकिन पंजाब कांग्रेस का दलित चेहरा माने जाने वाले राजकुमार वेरका बाकायदा कैबिनेट में शामिल होना चाहते हैं। राजा वडिंग समेत 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाकर संतुष्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अकाली दल का गिदड़वा का किला फतेह करने वाले राजा वडिंग भी मंत्री बनने के लिए बेताब हैं। परगट सिंह से निर्मल सिंह शतराना तक एक दर्जन से ज्यादा विधायक सीनियोरिटी या जात बिरादरी के आधार पर मंत्री पद पर दावा जता रहे हैं। आइए अब जरा मंत्रिमंडल का गणित भी समझ लेते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर 3 सीटें खाली हैं। एक सीट नवजोत सिद्धू के इस्तीफे से खाली हुई थी, जिस पर राणा गुरजीत सिंह की ताजपोशी निश्चित मानी जा रही है। कैप्टन कैबिनेट में एक मंत्री अपनी सेहत का हवाला देते हुए स्पीकर बनना चाह रहे हैं। पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी सिंह मंत्री बनने के लिए इच्छुक हैं। यह आपसी अदला बदली भी बिना किसी मुश्किल से होने वाली है। पता चला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मंत्री की छुट्टी करने का मन बना चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस खाली जगह को भरने के लिए किसे आगे किया जाता है। पंजाब के राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि विधायकों के ताजा असंतोष को देखते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास कोई बड़ा परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। जनवरी के पहले सप्ताह में होने वाले फेरबदल में कुछ मंत्रियों के विभागों की अदला बदली करके ही काम चलाया जाने वाला है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।